हेलो दोस्तों, मैं हूं नवीन कुमार और आप देख रहे हैं वाईफाई दोस्त चैनल। जी हाँ दोस्तों, आपको तो पता चल ही चुका होगा कि रियलमी एस टू प्रो भारत में लॉन्च हो चुका है और इसके आपने पूरा स्पेसिफिकेशन पता भी होगा। लेकिन अगर आप दोस्तों को यह ऑनलाइन तो मिलेगा ही, लेकिन अब आपको मैं बताऊंगा कि यह आपको ऑफलाइन मिलेगा या नहीं मिलेगा, आपके मतलब आपके मार्केट आपके शहर में मिलेगा या नहीं मिलेगा। जैसे बहुत ऐसे लोग हैं जो कि ऑफलाइन ही ख़रीदना अच्छा लगता है, तो मैं उसके लिए बताऊंगा कि यह आपको ऑफलाइन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो मैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन दबा दे। इसी तरह की लेटेस्ट जानकारी हमारे चैनल पर आपको सबसे पहले मिल जाएंगी। तो आइए मैं वीडियो को शुरू करते हैं। रियलमी एस टू प्रो स्मार्टफोन को अभी भारत में लॉन्च कर दिया गया। रियलमी का प्रीमियम फ्लेक्सी फ़ोन रियलमी एस टू प्रो, अहम खासियत की बात करें तो रियलमी एस टू प्रो में स्नैपड्रैगन 855 प्लस प्रोसेसर, 9800 फ्यूलम डिस्प्ले, 4 रियर कैमरे और 64 मेगापिक्सल का सेंसर दिया गया है। इसके अलावा रियलमी एस टू प्रो में जान फूकने के लिए 4000 mAh की बैटरी दी गई है, 50 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आएगी। अब इसकी मैं प्राइस की बात कर लेते हैं, जो कि आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में सेम ही रहे, जो कि आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। तो आइए मैं इसके बात कर लेते हैं। इसमें 8 GB रैम और 128 GB वेरिएंट का आपको कीमत लगेगा 29,999 रुपये, यानी 30,000 रुपये। और वही 12 GB रैम और 256 GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत आपको लगेगा 33,999 रुपये, यानी आपको 34,000 रुपये। और एक जो फ़ोन निकल के आ रहा है रियलमी एस टू प्रो मास्टर एडिटिंग, उसका आपको क्या कीमत पड़ेगा, क्या रैम पड़ेगा, तो आइए यहाँ पर आप देख सकते हैं। 12 GB रैम और 256 GB स्टोरेज का कीमत आपको 34,999 रुपये, यानी 35,000 रुपये में आपको पड़ेगा। और मैं आपको यहाँ बताऊँगा कि यह आपको ऑफलाइन मिलेगा या नहीं मिलेगा। फ्लिपकार्ट और कंपनी की आधिकारिक साइट realme.com पर 26 नवंबर को रियलमी फ़ोन बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। रियलमी स्मार्टफोन जल्द ऑफलाइन स्टोर पर भी उपलब्ध कराया जाएगा। और आप यहां पे देख सकते हैं साफ साफ लिखा हुआ है, रियलमी स्मार्टफोन जल्द ऑफलाइन स्टोर पर भी उपलब्ध कराया जाएगा, जो कि यह तो पूरा पक्का है कि आपको यह आपके शहर आपके मार्केट में उपलब्ध हो जाएगा, लेकिन आपको 26 नवंबर के बाद ही मिलेगा। पहले यह आपको ऑनलाइन बेचा जाएगा, उसके बाद आपको ऑफलाइन आपके मार्केट में उतारा जाएगा, लेकिन यह तो ज़रूर है कि आपको ऑफलाइन आपको ज़रूर मिलेगा। तो आइए मैं इसकी अब मुख्य स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं आपका। और यहाँ पे देख सकते हैं मुख्य स्पेसिफिकेशन, मैं इसी तरह के स्पेसिफिकेशन अपने कम्युनिटी टैब में ही पोस्ट करते रहता हूँ, जो कि आप वहाँ पे सीधे मतलब देख सकते हैं। आपको इसमें आपको डिस्प्ले मिल जाएंगे 6.50 इंच का, फ्रंट कैमरा 16 MP का, रियर कैमरा 64 MP प्लस 13 MP प्लस 8 MP प्लस 2 MP, रैम 8 GB स्टोरेज, 128 GB बैटरी क्षमता, 4000 mAh, OS एंड्रॉयड रिजर्वेशन 1080। तो यह थी दोस्तों जो कि मैंने आपको बताया कि यह आपको ऑफलाइन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और आपको कोई भी सवाल पूछना हो तो हमें कमेंट कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जो कि आपके दोस्त को ये पता चल जाए। और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक मैं वीडियो के नीचे दे चुका हूँ, आप वहाँ से जाकर हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर ले। और अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसी तरह के लेटेस्ट स्मार्टफोन की जानकारी हमारे चैनल पे आपको सबसे पहले मिल जाएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं इसी तरह से वीडियो पर। जय हिंद, वंदे मातरम।